नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल थिंक मिस्टीरियस पे स्वागत है। हम सभी ये बात जानते हैं कि 22 जुलाई 2019 को इसरो ने चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक धरती से लॉन्च किया। यह मिशन इसलिए भी भारत और इसरो के लिए खास था क्योंकि इसरो पहली बार एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को चांद पे भेजने वाला था। ऑर्बिटर और लैंडर विक्रम आपस में जुड़े थे और विक्रम ऑर्बिटर से सफलतापूर्वक अलग हो चुका था, परंतु 7 सितंबर के सुबह 1:40 से 2 बजे के करीब कुछ ऐसा हुआ जिसने इसरो के साथ साथ पूरे देश को घोर सन्नाटे में डाल दिया। 7 सितंबर 2019 की सुबह चंद्रयान 2 के लिए सबसे महत्वपूर्ण घड़ी थी। वैज्ञानिकों के अनुसार यह समय इस मिशन का सबसे मुश्किल और सबसे चैलेंजिंग कार्य था। इसरो ने इस पूरे भाग को 7 इवेंट्स में बांटा था, जिसमें से सबसे पहले लैंडर विक्रम की स्पीड धीरे धीरे कम होनी थी और उसे धीरे धीरे चांद की सतह के करीब पहुंचना था। इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार इन इवेंट्स में से सबसे कठिन इवेंट विक्रम का रफ ब्रेकिंग फेज था, जिसके लिए हर वैज्ञानिक प्रार्थना कर रहा था कि यह फेज सफलतापूर्वक पार हो जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक बार विक्रम डिसेंट के शुरू होने के बाद विक्रम के स्पीड को धीरे धीरे कम किया गया ताकि वह सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके और इस तरह वह रफ ब्रेकिंग फेज में प्रवेश कर गया। डिसेंट के 10 मिनट बाद विक्रम ने सफलतापूर्वक रफ ब्रेकिंग फेज को पार कर लिया और अब विक्रम फाइन ब्रेकिंग फेज में प्रवेश कर चुका था, जहां उसकी रफ्तार और भी तेजी से कम करना था। इस समय तक लैंडर विक्रम चांद की सतह से सिर्फ 6.6 किलोमीटर की दूरी पर था और सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन विक्रम जब चांद की सतह से करीब 2.9 किलोमीटर की दूरी पे था, तब विक्रम को जिस ट्रैजेक्टरी पे होना चाहिए था उससे वे भटकता हुआ नजर आया, यानी कि जिस पाथ की वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था उस पाथ से लैंडर विक्रम दूर हो गया था। और जब विक्रम चांद की सतह से सिर्फ 2.1 किलोमीटर की दूरी पर था, उस समय लैंडर में लगे कम्युनिकेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया और अब इसरो के पास विक्रम और उसके अंदर स्थित प्रज्ञान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और हर तरफ सन्नाटा छा चुका था। जब 10 से 15 मिनट बाद भी कम्युनिकेशन ना हो सका तो इसरो के चेयरमैन श्रीमान सिवान ने अपनी कुर्सी से उठकर प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे देश को यह जानकारी दी कि उनका संपर्क टूट चुका है और ऑर्बिटर से मिले डेटा के आधार को बारीकी से पढ़कर बता सकेंगे कि एग्जैक्टली विक्रम के साथ क्या हुआ। अब क्योंकि संपर्क टूट चुका है तो कुछ भी कहना सही नहीं, लेकिन विक्रम के आखिरी समय की ट्रैजेक्टरी को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने कई सारी संभावनाओं का उल्लेख किया, जिसमें से 2 ऐसी पॉसिबिलिटी हैं जिसे आपको जानना जरूरी है। पहला तो यह है कि शायद लैंडर विक्रम की क्रैश लैंडिंग हो गई हो, जिसके चलते कम्युनिकेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया, जिसका मतलब है कि शायद लैंडर विक्रम को क्रैश लैंडिंग के चलते काफी नुकसान उठाना पड़ा होगा, लेकिन उसके अंदर मौजूद रोवर प्रज्ञान पूरी तरह से शायद सलामत हो। दूसरी संभावना ये है कि आपको यह पता होना चाहिए कि इन सभी इवेंट्स के दौरान विक्रम ऑटो मोड पे सेट था, यानी कि लैंडर को वैज्ञानिक ना तो किसी प्रकार का कमांड दे सकते थे और ना ही उसे कंट्रोल कर सकते थे। अगर किसी भी प्रकार की चुनौती सामने आती है तो विक्रम को खुद ही निश्चय करना था कि क्या सही है और क्या गलत। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बात की संभावना हो सकती है कि शायद जिस जगह को लैंडिंग के लिए चुना गया था वे साइट लैंडर को लैंड करने के लिए सही ना लगी हो और आखिरी समय पे विक्रम ने लैंड साइट को बदलने का निश्चय किया हो, और शायद इसलिए भी हमें विक्रम का अपने पाथ से डेविएशन नजर आया। लेकिन वैज्ञानिक इसलिए भी निराश हैं क्योंकि मान लेते हैं कि लैंडर चांद की सतह पे सफलतापूर्वक लैंड कर गया और प्रज्ञान भी सफलतापूर्वक बाहर आकर अपना काम शुरू कर दे, वे उन महत्वपूर्ण जानकारियों को धरती तक नहीं पहुंचा सकेगा क्योंकि लैंडर से संपर्क टूट गया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि चंद्रयान 2 असफल हो गया है। लैंडर तो सिर्फ मिशन का एक हिस्सा था जो चांद की सतह के बारे में 14 दिन तक जानकारी देने वाला था, लेकिन ऑर्बिटर पूरी तरह से ठीक है और अपना काम कर रहा है। वह चांद के चारों ओर चक्कर लगाएगा और 1 साल तक महत्वपूर्ण जानकारियां देगा, और इस ऑर्बिटर की मदद से ही शायद हमें लैंडर का पता चल सके। भले ही चंद्रयान 2 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग ना कर सका, लेकिन हर एक भारतीय को इसरो और इसरो के हर एक वैज्ञानिक पर बहुत गर्व है। इसरो तो भारत की शान है और जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विज्ञान में कभी भी विफलता नहीं होती, होता है तो प्रयोग और प्रयास। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।